समुद्री लुटेरों के आतंक के सामने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने सरेंडर कर दिया। वो समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना के महाबली को देखकर हथियार डाल रहे हैं और इसका नाम है INS शारदा। दुनिया देख रही है भारतीय नौसेना का पराक्रम। INS शारदा का रौद्र रूप देखकर भागे समुद्री लुटेरे। आज सोमालिया से नाइजीरिया तक हिंद की सेना की हुंकार से दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। INS शारदा के पराक्रम की वजह से समंदर में भारत की शक्ति की जय जयकार हो रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए INS शारदा को तैनात किया है। इसी साल फरवरी में नौसेना के सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस जहाज पर 7 लुटेरे चढ़ गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था। जैसे ही ये सूचना इंडियन नेवी को मिली, समुद्री लुटेरों के मुकाबले के लिए INS शारदा को एंटी पायरेसी मिशन पर लगाया गया। INS शारदा ने ईरानी जहाज को कुछ ही पलटों में इंटरसेप्ट किया। भारतीय नौसेना को देखकर समुद्री लुटेरे भागने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह नौसेना ने चालक दल के 19 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। इनमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी शामिल हैं। सफल समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाने के लिए INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। स्वदेशी तकनीक से तैयार INS शारदा को 1992 में कमीशन किया गया था। इसकी लंबाई 102 मीटर है और 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। ये 40 mm की गन से लैस है और इसमें हेलीकॉप्टर को रखने की भी जगह है। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों का आतंक ऐसा था कि वहां से दुनिया का कोई भी जहाज गुजरने से कतराता था। अमेरिका हो या चीन, दुनिया के शक्तिशाली देश भी समुद्री लुटेरों के सामने लगभग सरेंडर कर चुके थे। लेकिन जैसे ही इन लुटेरों का सामना नौसेना के महाबली INS शारदा से हुआ, पूरे हिंद महासागर की तस्वीर बदल गई।